बनारस सबसे पुराने सबसे प्राचीन शहरों में से शामिल है। यहाँ का हर रंग जो है वो अलग है और वो हर रंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मेरे साथ बनारस के सफर पर ट्रैवल विद अंकिता। बोलिए गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, उदीयमान भगवान सूर्य की जय, समस्त देवी देवता की जय, समस्त संतों की जय। हर हर बनारस वो शहर है जो जात पात से ऊपर उठकर पूरे विश्व को अपने दिल में बसा लेता है। बनारस वो शहर है जो अपनी ही धुन में चलता है। बनारस वो शहर है जिसका पूजा से खासा रिश्ता है, चाहे ईश्वर की पूजा हो, चाहे संगीत की पूजा हो या हो पेट की पूजा। बनारस वो शहर है जहाँ की हर गली कुछ कहती है, जहाँ की हर गली में एक कहानी बसती है। प्राचीन समय से धर्म और संस्कृति का गढ़ रहा है और आज भी यहाँ देश विदेश से पर्यटक शांति और उपासना के लिए पहुँचते हैं। बनारस मेरे ईश शिव की बसाई नगरी है, जो प्राचीनतम है, जो एक धर्म है, जो एक सत्य है। और धर्म और सत्य की तलाश जहाँ पूरी हो वहाँ शिव को पाना है। सुबह की गंगा आरती के बाद मुझे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंचना था। मेरी सुगम दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग थी। ई रिक्शा ने मुझे 1 किलोमीटर पहले उतार दिया। चौक से आगे ई रिक्शा ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वहां से थोड़ा पैदल और थोड़ा पैडल रिक्शा से मेरा सफर पूरा हुआ। मैं काफी उत्सुक थी इसलिए भी कि रंग भरी एकादशी पर मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाली थी। और हाँ, एक बात, भगवान के दर्शन के लिए कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। मेरे माथे पे जो रंग लगे हैं दरअसल वो बनारस के हैं। बनारस में खेले जाने वाली रंग भरी एकादशी के हैं। वो होली जो कि देवों के साथ खेली जाती है और मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे आज के दिन यहाँ पर आने का मौका मिला और यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने का मौका मिला। Thank you.
सबसे पहले जो मैंने चखा है बनारस का वो है बनारसी अंडाई। ये कांबो की है, ये हमारे घरों तक भी पहुंचती है, लेकिन बनारस में इसको चखने का मजा अलग ही है। गदौलिया चौक बाजार से गुजरता है एक रास्ता दशाश्वमेध घाट के लिए। मैं भी बाकी लोगों की तरह घाट की तरफ बढ़ी जा रही थी। बनारस अपने घाटों के लिए जाना जाता है और दशाश्वमेध घाट प्रमुख घाट की श्रेणी में आता है। दशाश्वमेध घाट से भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं शिव का स्वागत करने के लिए ब्रह्मा ने ये घाट बनाया। दूसरा ये कि ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 10 घोड़ों का त्याग किया था। वैसे घाट पर आपको कई नई कहानियां मिलेंगी, जैसे मुझे मिली एक नाव के पन्ने की कहानी। ये जो तैयार बोट आपने देखी है, जानते हैं कि इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? मुझे भी अभी पता चला जब मैंने देखा कि एक जो नाव है वो तैयार की जा रही है। जैसा कि हमें बताया, लगभग 15 लाख रुपए इस बोट को बनाने में लगते हैं। खास किस्म की लकड़ी होती है, साथ ही में इसको 2 महीने ऑलरेडी लग चुके हैं और 2 महीने और लगेंगे। तो समझ सकते हैं आप कि कितनी मेहनत का काम है एक नाव को, एक बोट को तैयार करना। वैसे ये बोट CNG पर चलने वाली है। दशाश्वमेध से सटा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है। यहाँ घाट से स्नान करने के बाद आप सीधे मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर द्वार के साथ ही है मोक्ष का द्वार मणिकर्णिका घाट। यहाँ पहुंचकर यूं लगा जैसे कि जिंदगी और मौत कितना करीब करीब चल रही है। सूरज सर पर आ चुका था। मार्च के महीने में भी सूरज की तपिश चुभ रही थी और थकान चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अपनी अगली मंजिल पहुंचने के लिए मुझे अभी पैदल ही लंबा सफर तय करना था।
बनारस की गलियां और चांदनी चौक की गलियां एक जैसी ही लगेगी। इन गलियों ने कई सदियां देखी हैं, कई बस्तियों को बनते बिगड़ते देखा है। इन गलियों में धूप भी है, छांव भी। इन गलियों में देश का वर्तमान भी है तो इतिहास भी। गलियों से निकल मैं मेन बाजार में थी, जहां से मुझे 80 घाट जाना था। गर्मी के कारण मैं थक चुकी थी, लेकिन बनारस के रंग एक बार फिर मुझ में एक नई ऊर्जा देने के लिए तैयार थे। दिखाया बनारस में स्वागत है आपका।